क्या आपकी एज 30 साल से कम है और आपको अभी से अपनी स्किन में थोड़ी सी लूजनेस फील हो रही है? जवान होते हुए भी आपको अपने फेस में एजिंग के साइंस दिखने लगे हैं? अगर हाँ, तो इस केस में हो सकता है कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है। हाय एवरीवन, दिस इज पंखुड़ी अग्रवाल एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीमेच्योर एजिंग क्या होती है, कैसे होती है एंड हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। रुको रुको, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक टाइम के बाद हम सभी को होती है। हमारी बॉडी का हर एक सेल एज होता है, बट न्यू सेल्स भी आते रहते हैं जिससे हमारे सेल्स का रीजनरेशन होते रहता है। अब ये प्रोसेस जो है वो 25 से 30 साल की उम्र तक अच्छे से होता है, फिर नेचुरली ये धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्किन में जो इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिससे हमारे स्किन का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बने रहता है, वो लूज पड़ जाते हैं जिससे ओपन पोर्स, फाइन लाइंस एंड पिगमेंट्स होने लगते हैं। बुढ़ापे में तो ये सबको होता है, पर अगर ये प्रोसेस कम एज में स्टार्ट हो जाए तो उसे प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। अगर आपकी एज 25 से 30 साल है और आपको ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है। आज इंडिया में 10 में से एक लड़की को प्रीमेच्योर एजिंग के सिम्टम्स हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को प्रीमेच्योर एजिंग रैपिड लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सन एक्सपोजर, पॉल्यूशन, आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि 90% स्किन डैमेज का रीजन होता है यूवी रेज। जब यूवी रेज हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है तो वो स्किन सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती है जिसके कारण हमें रिंकल्स होने लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इम्बैलेंस डाइट। कुछ रिसर्च में पता चला है कि ज्यादा शुगर के कंजप्शन से एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के कंजप्शन से हमारी स्किन लूज पड़ जाती है, तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है जो कि ब्रोकली, बेरीज एंड कीवी में मिलता है। और यही नहीं, हमको कुछ पीने की चीजें भी कम करनी है जैसे कि एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एल्कोहल के कंजम्पशन से फेस में स्वेलिंग होने लगती है, ये एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। चौथा है पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन से हमें डार्क स्पॉट्स होते हैं, बट डस्ट के कारण कई लोगों को रेडनेस भी होने लगती है। तो बाहर जाने से पहले आप ट्राई करें कि स्किन को और स्पेशली आप अपने फेस को कवर करके जाएं। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग है कि नहीं है? अब मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग है या नहीं। सबसे पहला सिम्टम है रिंकल्स। रिंकल्स आपको फोरहेड में एंड आईज के बाजू में सबसे पहले नजर आएंगे, लाफ लाइंस आ जाएंगी। दूसरा है लूजनेस। अगर हम धूप से ठीक से बचाव नहीं करेंगे तो स्किन की इलास्टिसिटी जाने लगती है जिससे लूजनेस होने लगती है। वॉल्यूम भी लेस होने लगता है जिसे हम फोटो एजिंग भी कहते हैं। तीसरा है ड्राइनेस। स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है क्योंकि हमारे स्किन में जो लिपिड बैरियर लेयर प्रेजेंट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं, पिगमेंट स्पॉट्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स एंड काले दाग धब्बे ये दिखने लगते हैं। इसके अलावा स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रफ टेक्सचर हो जाता है, फिर जो हमारे फेस के बोन्स का, मसल्स का एंड फैट का जो सपोर्ट है वो भी लॉस हो जाता है जिसके कारण स्किन सैग होना शुरू हो जाती है। अब ये तो हो गई प्रीमेच्योर एजिंग की साइंस। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम डे टू डे लाइफ में इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है स्किन को हाइड्रेटेड रखना। सिर्फ पानी पीने से हमारी स्किन की जो सबसे आउटर लेयर है वो हाइड्रेट नहीं रह सकती, इसीलिए टाइम टू टाइम मॉइस्चराइजर लगाते रहना चाहिए। अब डे एंड नाइट की रूटीन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है क्लेंजर। क्लेंजर ऐसा चूज करें जो कि आपके स्किन के डर्ट को रिमूव करने के साथ साथ स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करे। इसके बाद है सीरम। अगर आपकी एज 30+ है तो आपको विटामिन सी सीरम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 2 से 3 ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं और वीक में 2 से 3 बार रेटिनॉल बेस्ड क्रीम भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी फेवरेट सीरम मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सनस्क्रीन। दिन के टाइम पे सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है जो कि SPF 30 हो और मिनिमम PA++ हो। इसे बाहर जाने से 15 मिनट पहले अप्लाई करें एंड मिनिमम 2 फिंगर टिप्स यूनिट का यूज करें। अब ये सब करने के चक्कर में अपने लिप्स एंड अंडर आईज को नहीं भूलना है। लिप्स को रेगुलरली हाइड्रेट करें एंड अंडर आई जेल भी ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। तो दोस्तों ये हुए कुछ प्रिवेंशंस। अब मैं आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट बताती हूँ कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पिगमेंटेशन के रिमूवल के लिए माइक्रोडर्म अब्रेशन एंड केमिकल पील का यूज किया जाता है। स्किन टाइटनिंग PRP एंड CO2 लेजर से की जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं तो आप बोटोक्स भी ले सकते हैं। इसके रिजल्ट 7 to 14 days में दिखने लगते हैं एंड अंडर आई एंड फोरहेड के रिंकल्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। फिलर्स से नोज के पास की स्किन एंड माउथ के कॉर्नर की स्किन की लूजनेस कम की जाती है। इनके अलावा डर्मा रोलर एंड स्किन स्टिमुलेशन भी यूज किया जाता है। फेस की स्किन की केयर करते करते हम हैंड्स एंड नेक की स्किन के बारे में भूल ही जाते हैं, तो वहाँ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। दोस्तों
ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्किन की केयर करो, उसको हाइड्रेट करो एंड सनस्क्रीन लगाना ना भूलो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी तो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो।